पुतिन अब सिर्फ यूक्रेन में जीत हासिल करने की हसरत नहीं रखते। पुतिन अब नाटो से बदला लेने और नाटो के विस्तार को विराम देने के लिए भी युद्ध की शुरुआत कर सकते हैं। यूक्रेन में कुछ ही दिनों में F-16 फाइटर जेट पहुंचने वाले हैं और पुतिन ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन के अलावा अगर किसी और देश से इस विमानों का ऑपरेशन शुरू हुआ तो रूस देश पर हमला करेगा। हालांकि सीक्रेट रिपोर्ट से नाटो को यह जानकारी पहले ही मिल चुकी है कि रूस पूर्वी यूरोप को टारगेट करने की पूरी तैयारी कर चुका है। हमला कब और कहां से होगा यह सब कुछ क्रेमलिन में फिक्स किया जा चुका है। यूक्रेन में पहले धमाके की आग के साथ ही दुनिया में आशंका और अफवाहें गरमाने लगी थी। अब 2 साल बाद उन्हीं आशंकाओं ने नेटो को युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहने के लिए मजबूर कर दिया है। पुतिन की मिसाइलें, पुतिन की वायुसेना और रूस की नेवी तो युद्ध का दौर 2 साल से देख रही है। लेकिन अब पूर्वी यूरोप का भी जंग की ज्वाला में झुलसना तय माना जा रहा है। नेटो को अब पुतिन के प्लान का अंदाजा भी होने लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन छोटे छोटे देशों से युद्ध का आगाज करने जा रहे हैं। रूस की सीमा से लगे पूर्व यूरोप के देशों से जंग की शुरुआत होगी। रूस की सेना ने अपनी सीमा के करीब से ही नेटो को चुनौती देने का फैसला किया है। नेटो का सबसे ताकतवर देश युद्ध की रणनीति बना रहा है और पूर्वी यूरोप के देश अपनी सीमा को सुरक्षित बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक हलचल का कारण है रूस का नेटो के खिलाफ शुरू हुआ एक्शन। यानी रूस यूक्रेन की जंग उस दिशा की तरफ बढ़ चुकी है जिस दिशा में जाने का मतलब न सिर्फ विश्व युद्ध है बल्कि न्यूक्लियर विनाश भी है। और इसी विनाश की आशंका के कारण अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशनल लीडर्स ने दुनिया भर के मोर्चों को मजबूत करना जरूरी बताया है। आपको सबसे पहले बताते हैं कि पुतिन के वॉर प्लान का रूट क्या होगा और नेटो रूस के मुकाबले की तैयारी में क्या कुछ कर रहा है। रोमानिया ब्लैक सी के तट से लगा देश है और इसलिए रूस रोमानिया में एयरबेस के निर्माण को एक बड़े खतरे के तौर पर देख रहा है। नेटो का मकसद रोमानिया में बेस बनाकर पूर्वी यूरोप की सुरक्षा बढ़ाना है तो वहीं रूस इसके बनने से पहले पूर्वी यूरोप को धमाकों से दहलाने की प्लानिंग में। मौजूदा दौर में पूर्वी यूरोप पर हमले की सबसे बड़ी वजह यूक्रेन में F-16 फाइटर जेट की एंट्री। रूस ने नेटो को F-16 नहीं देने की चेतावनी दी थी। रूस पर हमले के लिए किसी तीसरे देश के F-16 के इस्तेमाल को लेकर रूस ने धमकी दी। रूस उन देशों पर हमला करेगा जहां से F-16 हमले के लिए उड़ान भरेगा। ये धमकी पोलैंड के लिए मानी जा रही है। यूक्रेन में आए F-16 अगर मेंटेनेंस के लिए सुरक्षा के लिहाज से किसी और देश से टेक ऑफ करके युद्ध में हिस्सा लेंगे तो रूस ने उस देश पर हमले की धमकी दी। रूस के खतरे को देखते हुए नेटो के देशों ने भी तैयारी शुरू कर दी है। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच नया समझौता हुआ है। दोनों देशों की वायुसेना ने एक साथ युद्धाभ्यास किया। वर्ल्ड वॉर में दोनों ने एक दूसरे की मदद के लिए तालमेल बनाया। ब्रिटेन की सेना लगातार खुद को युद्ध के लिए तैयार कर रही है क्योंकि ब्रिटेन को रूस का पहला टारगेट माना जा रहा है।
दूसरी तरफ अमेरिका के गाजा और इसराइल के मुद्दे में उलझने के बाद नेटो के बाकी देशों ने आपस में मिलकर युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। फ्रांस यूक्रेन को 100 बख्तरबंद वाहन देगा। फ्रांस यूक्रेन को एस्टर 30 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल देने जा रहा है। फ्रांस से यूक्रेन को सैम टी एयर डिफेंस सिस्टम मिलने वाला है। फ्रांस अपने हथियारों को अपग्रेड कर रहा है। इसके तहत जितने भी हथियार सेना से वापस लिए जाएंगे उन तमाम हथियारों को यूक्रेन शिफ्ट करने का प्लान है। यूक्रेन युद्ध से पहले भले ही पुतिन नेटो के सामने अकेले नजर आ रहे थे, लेकिन अब रूस को कई ताकतवर देशों का साथ मिल चुका है। एक रिपोर्ट में दावा है कि नॉर्थ कोरिया के सैटेलाइट प्रोग्राम के पीछे भी रूस का हाथ है। रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के जासूसी सैटेलाइट रूस में बने हुए हैं। रूस ने नेटो देशों की जासूसी के लिए सैटेलाइट्स लॉन्च करवाया था। नॉर्थ कोरिया से कई और रूसी सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे। रूस को यूक्रेन में ही उलझाए रखने के लिए भी फ्रांस लगातार प्लानिंग कर रहा है। फ्रांस अब यूक्रेन को हथियारों की नई खेप देने जा रहा है, जिसमें कई मिसाइलें और आर्मर्ड व्हीकल्स होंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक नेटो को मात देने के लिए रूस ने अपने खुफिया तंत्र का भी विस्तार किया है। माना जा रहा है कि अमेरिका से लेकर कई बड़े देशों में रूस के जासूस एक्टिव हो चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने स्पेन में एक खुफिया ऑपरेशन चलाया है। रूसी सेना से बगावत करने वाले पायलट की हत्या कर दी गई। पायलट ने यूक्रेन से डील करके रूसी हेलीकॉप्टर छोड़ दिया था। रूस से भागने के बाद पायलट स्पेन में रह रहा था। फिलहाल बाल्टिक क्षेत्र में नेटो अपनी मजबूती बढ़ा रहा है, क्योंकि यहां सबसे बड़ी चुनौती कैलिनिनग्राद है। रूस ने कैलिनिनग्राद में नौसेना के बाल्टिक सागर बेड़े का मुख्यालय बनाया हुआ है। रूस के लिए कैलिनिनग्राद एक ऐसा सैन्य अड्डा है जो पूरे यूरोप पर भारी पड़ सकता है। रूस इस जगह से बाल्टिक सागर में यूरोपीय और नेटो देशों की आवाजाही को पूरी तरह से रोक सकता है। अगर नेटो के साथ भविष्य में कोई युद्ध होता है तो कैलिनिनग्राद रूस के अभियानों के लिए एक अहम लॉन्च पैड होगा। इसलिए रूस की सेना कैलिनिनग्राद में अपनी सैन्य शक्ति को काफी तेजी से बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष।